अगर आप ह्यूंडई क्रेटा लेने का प्लान कर रहे हो, स्पेशली बेस मॉडल, तो आज की वीडियो आप सभी के लिए रहने वाली है। आज हम आपको बताने वाले हैं ह्यूंडई क्रेटा के अंदर एसेसरीज अपग्रेडेशन, जो बेस मॉडल जो ई मॉडल है ना, उसके अंदर हुआ है। पीछे में यहाँ पर रिवर्स कैमरा लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं OEM फिटमेंट का। एंड अगर हम करें डिग्गी को ओपन, तो यहाँ आप देखेंगे ये मैटिंग लगी हुई है। यहाँ पर नॉर्मली आप डिग्गी में अपना लगेज वगैरह कैरी करके ले जाते हैं, सामान वगैरह बहुत सारा रखा होता है, तो ये जो मैट है ना, डिग्गी मैट GFX कंपनी की, बहुत ही बेटर रहती है, रॉक सॉलिड है। नीचे आपको नॉर्मल कारपेट मिलता है ना, वो गंदा हो जाता है लगेज वगैरह कैरी करने में, बट इसमें ना कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अगर ये गंदा भी हो जाता है तो बढ़िया धो लो आप, साफ करवा लो सर्विसिंग के टाइम पे, और चकाचक रहता है अपना गाड़ी के अंदर। फ्रंट में आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो LEDs अपग्रेड हुई है, क्योंकि प्रोजेक्टर के अंदर आपको नॉर्मल हेलोजन मिलती है, तो LEDs अपग्रेड हुई है। साथ में आप देखेंगे फ्रंट में, तो यहाँ पर जो क्रोम ग्रिल है उसको इंस्टॉल किया है, जो कि दिखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। अब यहाँ पर हम आपको लाइट की ब्राइटनेस भी चेक करा देते हैं, तो ये आप चेक करो लाइट की ब्राइटनेस, डे टाइम में भी आपको काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस मिल रही है यहाँ पर। एंड वाइट लाइट्स है ना, काफ़ी अच्छा लुक आ जाता है गाड़ी में, तो यहाँ पर आप ये भी अपग्रेड करा सकते हो गाड़ी के अंदर में। अब चलो अंदर चलते हैं, अंदर भी इस गाड़ी के अंदर बहुत सारा काम हुआ है। कंपनी ना पहले ये ORVM भी फुल्ली एडजस्टेबल देती थी, बट वो भी हटा दी है कंपनी ने। कॉस्ट कटिंग तो गाड़ी में कर ही रही है कंपनी, और साथ में प्राइसिंग को बढ़ाती जा रही है, तो अनोखा ही है, बट क्रेटा का क्रेज़ अमेजिंग ही है। अब यहाँ पर अगर आप गाड़ी के अंदर एंटर हो गए, तो बेस मॉडल में आपको सिर्फ नॉर्मल ब्लैक पट्टी मिलती है, बट यहाँ पर आप देखिए OEM क्रेटा की स्कफ प्लेट लगाई है, जिसके अंदर आपको ब्लू एम्बियंस मिलता है, काफ़ी अच्छा लगता है, और 4 पीसेज में ही आता है, तो गाड़ी के चारों डोर्स में ये चीज़ लगी हुई है। पीछे भी आपको मैं चेक करा देता हूँ, यहाँ पर आप ये चेक कर पाओगे, काफ़ी अच्छी लगती है ये, और लुक वाइज बहुत ही अच्छी प्रीमियम फील देती है। इसी के साथ में जो 7D मैटिंग है, वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो ब्लैक कलर के अंदर, बहुत ही प्यारी लग रही है ये दिखने में। एंड आप देखो पूरी OEM फिटमेंट आई है, डेफिनेटली इसको आप अपनी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करा सकते हैं। प्लस सीट कवर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं बेस मॉडल के अंदर हमको फैब्रिक अपॉस्ट्री मिलती है, तो लेदर सीट कवर्स आप अपनी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करा सकते हैं, काफ़ी प्रीमियम फिनिश देते हैं। और साथ में आप देखेंगे ना, रेड लाइन का भी यहाँ पर यूज़ किया है स्टिचिंग में, तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, और बकेट फिनिश यहाँ पर करी है। अब यहाँ पर अगर हम चलें अंदर की तरफ, यहाँ पर आप देखिए स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग व्हील में आपको लेदर स्टीयरिंग कवर स्टिच नहीं मिलता है, जो किया हुआ है। इसी के साथ में यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, स्टीयरिंग रिमोट भी आपको नहीं मिलता है, नॉर्मल वो डमी यूनिट लगा कर दे देते हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ को भी अपग्रेड किया। और साथ में आपको इसके अंदर इल्यूमिनेशन लाइट मिलती है, कमाल की बात देखो। एंड सिस्टम से पूरा प्रॉपर वे में वर्क कर रहा है ये देखो, म्यूट, वॉल्यूम कम, नेक्स्ट प्रीवियस आप पूरा कर सकते हो। और यहाँ पर अगर आप देखोगे इंफोटेनमेंट सिस्टम, तो ये लगा हुआ है इंफोटेनमेंट सिस्टम गाड़ी के अंदर में 10.25 इंचेस का, जो काफ़ी अच्छा लुक देता है। जैसे टॉप मॉडल के अंदर आता है ना क्रेटा का SX और SX ऑप्शनल आप अगर परचेज करोगे, तो उसके अंदर टॉप मॉडल जैसा दिखता है, बट इसके अंदर आपको UI एंड्रॉइड वाला ही मिलता है। बटन आप चेक कर सकते हैं, होम, बैक, नेक्स्ट, प्रीवियस, आप वॉल्यूम अप एंड प्रेस करके म्यूट भी कर सकते हैं। नेविगेशन बैंड, BT इक्वलाइजर का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब इसके अंदर इक्वलाइजर भी आपको मिल जाता है। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, तो एप्लीकेशंस काफ़ी सारी आपको यहाँ पर मिलेंगी, देखो नेटफ्लिक्स वगैरह है। आपको Z-Link 5 भी मिलता है, तो इसके थ्रू आप अपना Apple CarPlay और Android Auto को भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। आप अपना Android Auto और Apple CarPlay रन कर सकते हैं वायरलेसली भी, और आपका जो USB पोर्ट है उसके थ्रू भी, जो यहाँ पर ये दो केबल दी हुई हैं वो इसी के लिए है। अब स्पीकर्स की बात करें, तो गाड़ी के फ्रंट स्पीकर्स में प्राइमस के कंपोनेंट डले हैं, और पीछे के स्पीकर्स आपके कोएक्सियल रहने वाले हैं, तो उसका भी थोड़ा सा साउंड आउटपुट सुना देते हैं हम। तो साउंड आउटपुट बहुत ही बढ़िया आ रहा है, काफ़ी अच्छा बेस है, और ट्रेबल भी काफ़ी अच्छा है, तो नो डाउट ये बेसिक एसेसरीज हैं। अगर आप क्रेटा का बेस मॉडल ले रहे हो, तो ये डेफिनेटली आप अपनी गाड़ी के अंदर करवा सकते हो। अब चलिए हम आपको गाड़ी के प्राउड ओनर के पास लेकर चलते हैं, और उनसे जानते हैं कि उन्हें गाड़ी के अंदर जो काम हुआ है वो कैसा लगा है। सुबह लगभग 12-1 बजे के आसपास गाड़ी आ गई थी हमारे पास, और अभी 4:30-5 बज रहा है, तो उस बीच में हमने पूरा गाड़ी में काम किया और सर को सारी चीज़ें बताई। तो सर से ही पूछते हैं कि उनको कैसा लगा आज काम कराना, क्वालिटी ऑफ वर्क कैसा था और गाड़ी के अंदर काम कैसा हुआ, तो सर बताइए। देखिए मैंने क्रेटा का बेस मॉडल लिया जी, और आपके काफ़ी वीडियोस देखे थे जी, तो सीधा अपने राजगढ़ से सीधा आया हूँ स्टार जी कार डेकोर पे, और जैसा देखा था वैसा पाया। अरमान और आयुष ने जो मुझे प्रोडक्ट दिखाए हैं उनसे मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हुआ जी, और जो बेस्ट प्रोडक्ट थे वो मैंने अपनी कार में इंस्टॉल कराया, और कार का लुक बहुत इन्हेंस कर दिया इन लोगों ने, तो दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद जी। और लोगों से कहूँगा कि भोपाल में जो स्टार कार्ड अगर MP नगर में, आप यहाँ आइए और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो हैं उनका जो भी बेस्ट ऑफर है वो लीजिए और इंस्टॉल कराइए। थैंक यू।
नंबर बता दो आपका एक तो बार। मेरा नंबर है 700002956। स्टार कार डेकोर करके एक शॉप है भोपाल में, जो कि हम लोग अभी रन कर रहे हैं, और उसी के वीडियोस आप देखते रहते हैं इस चैनल पे। अगर वीडियोस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। थैंक यू।